फेज होने में कहां से डिग्री पाई है ये बताओ सबसे पहले। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। बज रहे हैं सुबह के 10:30 एंड सबसे पहले ईद मुबारक टू एवरीवन, चांद मुबारक जैसे कहते हैं। तो आज है हमारी छुट्टी, बट छुट्टी वाली कोई फीलिंग नहीं है बिकॉज हमारे लाड साहब ने मुझे ऑलरेडी 9 बजे से उठा रखा है। तो आज जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं बैठी हूँ इस सोफे पे, वाओ व्हाट अ लाइन, टुडे इज माय लास्ट डे एट दिस प्लेस, टुडे इज द लास्ट डे विथ दिस लाड साहब। सो यस, कल से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी, मैं कहीं और होंगी। एंड यार, जैसा कि कुछ लोगों ने बोला है कि आप अपने नई जगह से व्लॉग बनाना, नई जगह का बनाना, तो जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में बोला था, मेरी नई जगह अब तक एक्चुअली कंफर्म नहीं है। तो लेट्स सी, बनेगा तो ज़रूर, बट अभी कुछ दिन कहाँ क्या बनने वाला है वो मुझे खुद नहीं पता, बिकॉज चीज़ें यार बिट डाइसी और कब क्या होने वाला है वो मुझे भी नहीं पता। तो आज का दिन भी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है, बिकॉज चीज़ें करनी है, ऐसे चीज़ें करनी है जो सोचा नहीं था एक्चुअली। तो यस, सुबह की शुरुआत की जाए। अरे मेरे को चाय पीने का मन कर रहा है, लेट्स ऑर्डर चाय, चाय इन बन मस्का, सही है ना? तो आज मैं चाय और बन मस्का के साथ दिन की शुरुआत करूँगी और वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, क्योंकि आप बहुत दिन हो गए आप लोगों ने मुझे खाते हुए नहीं देखा है। एंड बहुत लोग हैं कि आप खाते नहीं हो, आप सोते नहीं हो एंड ये, तो मेरी हैबिट थोड़ी डिफरेंट है या और ज़्यादा हो गई है। तो दिन की शुरुआत की जाए, कब क्या कैसे होने वाला मुझे नहीं पता। व्लॉग छोटे ही सही, टाइम पास वाले चल रहे हैं, आई नो, मैंने आपको जैसा बोला कुछ टाइम में होंगे स्टार्ट, तो उस कुछ टाइम को थोड़ा टाइम लगेगा, बट लेट्स सी, थिंग्स विल बी बेटर। तो मिलते हैं थोड़ी देर में बन मस्का और चाय के साथ, अगर बाय एनी चांस मेरा मूड चेंज नहीं हुआ तो। दिन की शुरुआत उससे बुरी और क्या ही हो सकती है, पीरियड्स का डे वन, नहीं आज नहीं होना चाहिए था, दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग गाइज, नो नॉट टुडे, आज नहीं चाहिए था, आज के इतने काम है यार, आज ये नहीं चाहिए था। हाँ, और एनीवेज मेरा डे वन थोड़ा डिफरेंट होता है और उसमें वैसे ज़्यादा काम नहीं होता है, अवन मैं और ज़्यादा लेजी हो जाता हूँ, इतना लेजी कि मैं पंखा भी नहीं बंद कर रहा अभी। नो, गुड मॉर्निंग अगेन, नॉट इन मूड एक्चुअली, बट क्या कर सकते, चलती का नाम जिंदगी, बस चल ही नहीं रही है ढंग से। अभी मम्मी से बात हुई, मम्मी पे चिल्ला रही थी, क्यों पता नहीं, बट ऐसे कभी कभी अच्छा लगता है उन पे चिल्ला के, नहीं मतलब गंदे वाला नहीं, ऐसे ही अच्छे वाला, जिसे होता ना भड़ास निकालना। तो गाइस, गुड मॉर्निंग हो गई है, तो मैंने आपको बोला था मैं चाय और बन मस्का मंगा रही हूँ, तो मैंने चाय और बन मस्का मंगा लिया है, ठीक है, मंगा लिया, आई विल शो यू। सो ये रही मेरी कुल्हड़ वाली चाय और ये रहा मेरा बन द मस्का। अब इसके अंदर मस्का है या नहीं, या लगाना भूल गया, अच्छा लगा रखा, कोई बात नहीं, फिर ठीक है। तो आ तो चुका है, तो मैं ज़रा खा लूँ। आशो इधर आओ, ऊपर आओ, जल्दी आ, ऊपर आओ, इधर आओ, आ जाओ ऊपर। तो गाइस, ये चीज़ें अब आप नहीं देखोगे, अच्छा लुक, ये चीज़ें अब आप नहीं देखोगे। सो हम खा लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट और उसके बाद मिलते हैं। यार एक बात बताओ, कहाँ से मिलता है इतना गट्स अलग लेवल का, और टू फेज होने में कहाँ से डिग्री पाई है ये बताओ सबसे पहले। आई नो कुछ लोग ऐसा कंफ्यूज हो गए होंगे कि अचानक से ये लाइन कहाँ से आ गई, एंड ऑल, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है,
आप, ये एक्चुअली मैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, द ऑडियंस, द सब्सक्राइबर्स, द फॉलोवर्स, द फॉलोवर्स ऑफ इंस्टाग्राम, द सब्सक्राइबर ऑफ यूट्यूब, आप लोग, एंड टू बी वेरी क्लियर इन स्टार्टिंग ओनली कि ये सबके लिए नहीं है, तो प्लीज़ जो ये नहीं कर रहे वो अपने आप पे ना लें. बट कुछ लोग हैं बहुत अलग लेवल के महान, अलग, उनकी हरकतें बताती हूँ. मुझे मेरे डीएम में आके अतरंगी अखंड लेवल के मैसेजेस डाल रहे हैं, सामने वाला ऐसा है, उसने आपके साथ ये किया, फलाना किया, ढिमकाना किया, वी सपोर्ट यू, आप ये कर लो, आप वो कर लो. आई रेड एंड इग्नोर, ठीक है. बट यही लोग सामने वाले की प्रोफाइल में जाके बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मतलब अलग लेवल का खुशी दिखाते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी आर सो हैप्पी फॉर यू, आपने ये किया, यू लुक अमेजिंग, ये वो. भाई कहाँ से लेके आते हो इतनी सारी चीजें? सपोर्ट कर रहे हो तो ढंग से सपोर्ट कर लो, इधर कुछ और उधर कुछ और करके क्या ही मिल जाएगा. और मतलब ये वही लोग हैं सेम विद द सेम आईडी जो मुझे डीएम में कुछ अलग बकवास चल रही है, एंड सामने वाले के सेक्शन में कुछ अलग ही लेवल की चीजें चल रही है. यहाँ पे मुझे उसी के खिलाफ चीजें बोली जा रही है, और वहां पे उनके प्लस पॉइंट में उनको अलग लेवल की चीजें बोली जा रही है. क्यों? या तो इधर बोल लो या उधर बोल लो, मुझे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. भाई तुम खुश हो, मेरे को बहुत अच्छी बात है, उनके साथ रहो, सपोर्ट करो, खुश रहो. तो बट यहां पे आके नेगेटिव क्यों बकवास करके जा रहे हो? इतना तो पता है 6 सालों में कि उधर का सोशल मीडिया भी यही से हैंडल हुआ है, कि वो भी नहीं पता. भाई कौन क्या कर रहा है बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है. और वो कौन लोग हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा. देखो नो डाउट, मुझे, मैं आपको हर 2 से 3 लास्ट व्लॉग्स में बोल चुकी हूँ कि मुझे बहुत लिटरली भर भर के डीएम्स आए हैं, एंड मैंने सबके पढ़े हैं, ठीक है. मैंने सबके पढ़े हैं, मैंने एक के भी रिप्लाई नहीं किए, बिकॉज मुझे फील नहीं हुआ कि मुझे एक्चुअली करना चाहिए इन सब चीज़ों का रिप्लाई, तो मुझे एक्चुअली करना भी नहीं है. ना मैंने आज तक किया कभी, एक आध कभी कर दिया होगा तो वो अलग चीज़ है, ना मैंने किया ना मैंने करना है. बट मैंने सबके मैसेजेस पढ़े, सबके. कुछ ने ये भी लिखा है, मुझे पता है आप हमारे मैसेजेस नहीं पढ़ते हो, आप हमारे मैसेज नहीं पढ़ोगे, पता नहीं पढ़ोगे भी कि नहीं, बट टू बी फ्रैंक गाइस, मैंने सबके मैसेजेस पढ़े. बट मुझे सिर्फ इतना चाहिए, मैंने आज तक कोई एक चीज़ भी यहाँ पे किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोला. आप लोगों पे उस दिन भड़की थी, बिकॉज दैट वॉज अ, क्या बोलो यार, फ्लक्चुएशन थी वैसी कि भाई सिचुएशन थी वैसी, चीज़ें चल रही थी वैसी, और आप लोगों के अलग लेवल की जो चीज़ें चल रही थी वो उस चीज़ पे थी. लोगों ने मुझे लिखा भी, वाई यू आर शोइंग सो मच एटीट्यूड, वाई यू आर शोइंग सो मच एंगर ऑन इट. इट वॉज लाइक, ठीक है, जब तुम्हें, आई मीन, जब आप लोगों को ये चाहिए कि मैं हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, भाई अच्छी चीज़ कर रही हूँ तो दिखाऊं, बुरी चीज़ कर रही हूँ तो दिखाऊं, कहीं जा रही हूँ तो दिखाऊं, तो भाई अगर आप मेरा गुस्सा भी थोड़ा झेल लो ना, गुस्सा भी तो यही दिखेगा. तो इसलिए कि अगर फैमिली बोला जाता है तो आप हमेशा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला सिर्फ प्यार जाता है, दूसरी चीज़ों के लिए भी रेडी रहो. बट इसका ये मतलब नहीं है कि सेम बंदा आके मुझे यहाँ पे सामने वाले के लिए बकवास करके जाए, और उसी बंदे के सामने उसके लिए इतनी तारीफों के पुल बांध दे कि जैसे कि भाई उनसे बड़ा शुभचिंतक कोई ना हो. गाइस ऐसे शुभचिंतक की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है जो एक साइड के नहीं हो सकते, ठीक है. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उधर के रहो या आप इधर के रहो, मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ना होने वाला है, मुझे सीरियसली फर्क नहीं पड़ेगा. बट समझो, आप वो लोग हो जो चीज़ों को बिगाड़ते हो, ठीक है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चीज़ों से. हमारी अपनी लाइफ में 50 चीज़ें पड़ी है जिसके लिए हमें फिक्र करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों की करने लग गए ना तब तो अलग ही चीज़ें हो जाएंगी. तो मेरा सिर्फ एक ही लाइन है, सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच दिल से, आप लोग एक्चुअली बहुत कर रहे हो. किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलो, ठीक है. और अगर किसी के मुंह पे जाके आप अच्छाई कर रहे हो तो उसके पीछे बुराई मत करो. ये चीज़ें मेरे रियल लाइफ में बहुत लोग मिल चुके हैं, और सोशल लाइफ में आप लोग उसकी भी कमी पूरी कर ही दे रहे हो, तो उसकी भी कमी अब है नहीं. तो बस इतना ही बोलेंगे,
या तो उधर के रहो या तो इधर के रहो या तो तुम करो ही मत, कोई डिफरेंस नहीं आ जाएगा आपके एक आध कमेंट ना करने से या आपके मेरे को डीएम करके किसी और के बारे में भड़काने से, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। सामने वाले की लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो मुझे नहीं लगता कि हर चीज़ हर कोई एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पे भी वो बात आएगी, आप बताओ क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। भाई देखो, हर एक की लाइफ की चीज़ें अलग होती है, हर एक की लाइफ जो है, आपने मेरे मुझे 4 सालों से व्लॉग में देखा है, 3 साल 2 साल जितने भी साल हुए, मुझे तो साल भी याद नहीं है, आज तक आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि मैंने व्लॉग्स में कितना बोला है। तो जहाँ मैं उतना बोलती हूँ उतना ही चलेगी चीज़ें, मुझे कोई पर्सनल चीज़ों को ऐसा पब्लिकली ला के ऐसे चीज़ें करने की कोई शौक नहीं है। मेरी फैमिली है, मेरा व्लॉग देखते हैं, सामने वाले की फैमिली है उनका व्लॉग देखते हैं, मुझे यहाँ पे चीज़ें उछालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के व्लॉग्स में बोला था, लोगों के कमेंट्स जो एक अलग लेवल के हैं उन्होंने करना छोड़ा नहीं, तो बट एनीवेज आप अपने काम छोड़ोगे नहीं, हमें कुछ और ऑप्शन मिलेगा नहीं, तो चलती का नाम जिंदगी ऐसे ही चलेगी। बस इतना मुझे एक्चुअल में ना क्लियर करना था, वो एक लाइन है, मुझे एक्चुअल वर्ड अगर मैं इधर उधर हो जाऊँ ना तो क्लियर आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और टीचर लिख भी देना शायद से अगर पता हो कि उसको एक्चुअल क्या बोलते हैं। बिन पेंदे का लोटा होता है ना, जिसमें कोई सपोर्ट नहीं होता, जो लेफ्ट राइट बस गिरता ही रहता है, ये बोलोगे तो कितना भी कुछ कर लो, कुछ पूछ होती है जो सीधी नहीं होती, कितना भी कुछ कर लो, दैट ऑल गोज टू यू। एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, प्लीज ये सबके लिए नहीं है, तो कृपया करके आप अपने ऊपर ना ले। जिन्होंने ये किया है उनको ये बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि भाई सेम आईडीज यूज होती है, सेम आईडी से मैसेज करोगे, सेम आईडी से कमेंट करोगे, वो चीज़ें दिखती है, ठीक है? तो बस मुझे आज के ब्लॉग में इतना ही कहना था, इस ब्लॉग को मैं एक्चुअली करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आज दिन का दूसरा बना तो आपको रात को मिल जाएगा, और नहीं बना तो आई डोंट नो। तो इस ब्लॉग को करते यही एंड, आपको करने लगा कमेंट शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में, सब कर लेंगे। ओके बाय, गुड मॉर्निंग, थैंक।